लोकसभा को तो विपक्ष ने बस हो हल्ला का अड्डा बना रखा है, जहां बस हंगामा करते हैं और जनता के लाखों के पैसे को बर्बाद करते हैं। सरकार डिबेट करने को तैयार रहती है, लेकिन इन्हें डिबेट करना कहाँ है। विपक्ष तो बस मौके तलाशती रहती है सदन न चलने की, क्योंकि पता है कि अगर सदन चला और बहस हुई तो वो मुंह की खाएंगे, और हो भी यही रहा है। लोकसभा में एक ऐसा मौका आया जब सदन में बहस के लिए कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आए और सरकार के विरोध में बोलने लगे, लेकिन राजनाथ सिंह के पंच के आगे पस्त दिखे खड़गे। हम ये चाहते हैं आप हमको ये एडजमेंट मोशन के लिए अलाउ कीजिए। 70 से लोग ज्यादा मर गए हैं, कम से कम 1200 घायल हो गए, तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप एडजमेंट मोशन को अलाउ करो। हम आपके सामने सारी चीजें रखेंगे और उस वक्त मालूम होगा क्या मोदी साहब सच है, क्या हम सच है, क्या सारी जनता जो कर रही है। इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए एक ही उपाय है, वो प्राइम मिनिस्टर सदन में आए, एडजमेंट मोशन को स्वीकार करें और हमको बात कहने के लिए आप सम्मति दें, क्योंकि यह जनता का मामला है। 125 करोड़ जनता की समस्या है, सिर्फ एक दूसरे की नहीं। हमारी सरकार ने जो यह फैसला लिया है वह फैसला ऐतिहासिक है, साहसिक है और साथ ही साथ प्रो पुअर है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ, और देश में कोई एक व्यक्ति भी नहीं है जो कि हमारी सरकार के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए इस फैसले पर इस आधार पर सवाल या निशान लगाए कि इसमें कहीं पर बदनीयत, यानी हमारी सरकार की नीयत पर कोई सवाल या निशान नहीं लगाया जा सकता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, यदि इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कहीं यदि किसी को शिकायत है तो पहले दिन से ही हम सभी लोग चर्चा के लिए, इस पर बहस करने के लिए तैयार हैं। लोगों के द्वारा जो भी सुझाव प्राप्त होंगे उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने को भी हम सभी तैयार हैं, लेकिन जो यह फैसला लिया गया है वह राष्ट्रहित में लिया गया फैसला है। और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सरकार का फैसला यह काले धन के खिलाफ में एक जंग है, और सारे देश ने इसी रूप में इसे स्वीकार किया है। जहां तक प्रधानमंत्री का सदन में आने का प्रश्न है, यह भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, चर्चा प्रारंभ हो, चर्चा किस नियम के अंतर्गत होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदया इस पर यदि कोई फैसला करने के लिए अधिकृत है तो अध्यक्ष महोदया ही इसके लिए अधिकृत है। आप फैसला करें कि किस नियम के अंतर्गत इस पर चर्चा होगी। हम सभी लोग चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।